द फैक्ट दैट स्वाति मालीवाल तीन चार दिन तक उनके कंप्लेंट पुलिस में दर्ज नहीं की, उसका मतलब यही हुआ कि हाई लेवल पर उनके ऊपर दबाव था। 1.5 किलोमीटर की लंबी कतार कल मैंने विजुअल्स में देखी, पत्रकार लोग खड़े थे। हम ऐसी ही कतार मणिपुर में ढूंढना चाह रहे थे। जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उन्हीं को लेकर कल अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने साथ लेकर गए हैं, तो कैसे कोई विश्वास करेगा कि भाई ये कार्रवाई करेंगे? अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा दिखता है ना भोला भाला, उसके पीछे एक बहुत ही आपराधिक चेहरा है, भ्रष्टाचारी के साथ साथ बहुत ही साजिश करने वाला चेहरा है। द फैक्ट दैट स्वाति मालीवाल तीन चार दिन तक उनके कंप्लेंट पुलिस में दर्ज नहीं की, उसका मतलब यही हुआ कि हाई लेवल पर उनके ऊपर दबाव था और आज भी शायद होगा, फिर भी वो सामने आकर के कंप्लेंट कर रखी है। सो हाँ, जरूर देयर इज रीजन टू बिलीव दैट देयर वाज इनफ प्रेशर ऑन हर एंड प्रोबेबली कंटिन्यूज टू बी ऑन हर। देखिए, जो कुछ हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हुआ निस्संदेह, और अब तो उन्होंने खुद भी कंप्लेंट भी दायर कर दी है और मैंने सारे विजुअल्स भी देखे, उनका स्टेटमेंट भी देखा। उसके बाद अब तहकीकात होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। जितना मेरा भरोसा है, संजय सिंह जी को मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि पार्टी कठोरतम कार्रवाई करेगी संज्ञान में लेकर के। लेकिन मुझे अच्छा लगा मीडिया की दिलचस्पी, सारे मीडिया घरानों की दिलचस्पी। करीब 1.5 किलोमीटर की लंबी कतार कल मैंने विजुअल्स में देखी, पत्रकार लोग खड़े थे। हम ऐसी ही कतार मणिपुर में ढूंढना चाह रहे थे जहां नग्न घुमाया गया था। खैर, मजबूरियां रही वहां नहीं। पहलवान बेटियों के साथ जब हुआ तब भी हम वही कतार देखना चाहते थे। अकाउंटेबिलिटी इस तरह के मामले में जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि एक जगह मेरा पक्ष ये होगा, दूसरी जगह मेरा पक्ष ये होगा। महिला उत्पीड़न, उनके साथ किसी भी तरह के अशोभनीय व्यवहार में अगर हमारे मानदंड में फर्क आता है तो वो फर्क हमारे सार्वजनिक जीवन में हमको कमतर दिखाता है। बीजेपी इस्तीफा मांग रही है जीवन में। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो प्रधानमंत्री जी को ही सबसे पहले इस्तीफा देना होगा, शुरुआत वहीं से करनी होगी। सबसे बड़े नेता है ना, देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर एक बार उन्होंने लाइन लंबी खींच दी तो फिर बाकी लोग भी फॉलो करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, कम से कम एक पक्ष आया है उधर से, आम आदमी पार्टी की ओर से। प्रधानमंत्री जी का मुंह से मणिपुर तो आज तक नहीं सुना। पहली बात तो इससे ज्यादा निंदनीय और शर्मनाक नहीं हो सकता कि एक मुख्यमंत्री के आवास पर एक महिला के साथ इस तरीके की घटना घटी हो जिस तरीके से। और ये बात कोई नकार भी नहीं सकता है, उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ राज्यसभा सांसद ने इस बात को स्वीकार किया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री का रवैया देखिए, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उन्हीं को लेकर कल अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने साथ लेकर गए हैं, तो कैसे कोई विश्वास करेगा कि भाई ये कार्रवाई करेंगे? और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर एक मुख्यमंत्री के आवास पर ही महिला सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली में आम महिलाओं का क्या होगा? जो बड़े बड़े दावे ये लोग करते हैं, वादे करते हैं, अगर मुख्यमंत्री के आवास पर ही इस तरीके की घटना घटती है तो आगे कोई और दिल्ली में रहने वाली महिला के साथ ऐसी घटना नहीं घटेगी, मेरे मुख्यमंत्री कैसे इस बात का विश्वास दिलाएंगे? ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री अहंकार बोल लीजिए या बौखलाहट बोल लीजिए, पर अब इस तरीके की घटना पर वो उतर आए हैं जो कि कतई दिल्ली वासियों के लिए ठीक नहीं है। मुझे यही लगता है कि उन्होंने अपनी साइड चूज कर ली है। ही डजंट वांट टू बी ऑन मालीवाल साइड and he believes on Vibhav more than Swati Maliwal. अब दिल्ली की जनता ये भी जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल के रहते महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। पीछे भी बहुत सारी केस है, इन्हीं के पार्टी के लोगों ने सोनी मिश्रा की हत्या की और सोनी मिश्रा के साथ पहले उसके साथ उसका शोषण हुआ, उसके बाद बहुत सारे केसेज आए हैं जहां इन लोगों ने महिलाओं को थप्पड़ मारे, संजय सिंह पे बहुत सारे केस हैं। अब सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के द्वारा उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद को पीटने की बात एफआईआर में आ गई क्योंकि 100 नंबर का कॉल हुआ। अब इसके बाद तो दिल्ली सन्न है कि इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा दिखता है ना भोला भाला, उसके पीछे एक बहुत ही आपराधिक चेहरा है,
भ्रष्टाचारी के साथ साथ बहुत ही साजिश करने वाला चेहरा है, क्योंकि आतंकवादियों से चंदे लेकर के देश को तोड़ने में, देश में नए देश बनाने की कोशिश में भी उनके ऊपर एनआईए जांच चल रही है। और ऐसे में स्वाति मालीवाल को, भले उनकी पार्टी की है, लेकिन उनको पीटना और पीटने के बाद फिर झूठ बोलना कि हम पीए को सजा देंगे और उसके बाद पीए को साथ लेकर घूमना, यह स्पष्ट करता है कि शायद विभव नाम के जो पीए हैं उनके साथ साथ मारा उन्होंने होगा, लेकिन मरवाने का जो इशारा है वो अरविंद केजरीवाल का ही हो सकता है। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपसे आपके सामने रखे हैं देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इसको, इस पर राजनीतिक खेल ना खेलें।